हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम चला रहे हैं भाई ब्रेजा VXi 2023 और आज हम करने वाले हैं भाई इसका ये जो इंफोटेनमेंट आता है ना, इसका कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब क्या इसके स्पीकर्स हैं, जो स्टॉक के स्पीकर्स आते हैं वो आपको कैसा आउटपुट देते हैं। इसमें जो इन्फोटेनमेंट आता है ना, ये 2 दिन का इन्फोटेनमेंट आता है, अच्छा खासा आउटपुट निकाल देता है। बाकी भाई औरों से कंपेरिजन करो ना, JBL सोनी वगैरह या और भी आफ्टर मार्केट जो बहुत सी ब्रांड आती हैं, ये इन सब के मुकाबले तो मतलब इतना तो नहीं निकाल पाता। बाकी भाई और तो बढ़िया ही निकाल देता है। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि इनका आउटपुट कैसा है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ तो भाई वीडियो में आप आखिरी तक बने रहना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। जैसे बहुत से भाई होते हैं ना, अपना स्टॉक का हटवा के बाहर का लगवा लेते हैं, तो आज उनको इसके स्पीकर की क्वालिटी पता लग जाएगी, क्या इसके स्पीकर मतलब स्पीकर जो है वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या आउटपुट देते हैं, आवाज़ कैसी है, बेस कैसा है, मतलब ये सब सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। देखते रहना वीडियो, वीडियो को स्किप मत करना भाई, मतलब कभी आप 10 सेकंड स्किप करके देखो। बाकी भाई आपको वीडियो पूरी देखनी है अगर इसके स्पीकरों का रिस्पॉन्स जानना है। तो मैं गाड़ी लगा देता हूँ कहीं शांत से इलाके में जहाँ आपको बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिले। यहाँ भाई पेड़ के नीचे लगा देते हैं, गर्मी इतनी हो रही है। अभी भाई मार्च का महीना चल रहा है, आज है आपकी कितनी तारीख, आज है भाई आपकी क्या तारीख है यार, 14 मार्च, और 3:05 हो रहे हैं। तो भाई आज हम देख लेते हैं इसके स्पीकरों का रिस्पॉन्स कैसा है, ये सब सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो इसे सबसे पहले, एक तो भाई इसमें ना ऐसे कोई रैंडमली आप कोई भी गाना नहीं चला सकते, इसमें आपको YouTube से जाके वो करना पड़ेगा, नो कॉपीराइट म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा, तब ये आपकी गाड़ी में गाने बज जाएंगे। तो भाई मैंने इसमें पहले से ही सेलेक्ट करके रखा था ये। इसमें ऐसा होता है ना, आप जैसे नॉर्मली कोई भी गाने बजा देते हो तो इसमें कॉपीराइट लग जाता है, मतलब वीडियो में कॉपीराइट लग जाता है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है कॉपीराइट लगना। तो एक बार स्पीकर वगैरह चेक करवा देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसके स्पीकर और ट्विटर वगैरह जो हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। भाई एक इसका ये ड्राइवर साइड में ये आपको ट्विटर भी है इसमें, और ये आपके पीछे वाले डोर में वो इस मतलब चारों डोरों में स्पीकर हैं इसके, उनका कैसा आउटपुट है ये मैं आज आपको बताऊँगा आज तो भाई वीडियो में। और हाँ, अगर आपको बेटर मतलब और ज़्यादा इसकी साउंड क्वालिटी जाननी है ना, मतलब जैसे आप फ़ोन में देख रहे हो तो उसमें पता नहीं लग पा रहा, तो भाई ईयरफोन ज़रूर लगा लेना अगर आपको अच्छे से ही मतलब साउंड क्वालिटी देखनी है कि क्या है कैसा, मतलब बेस वगैरह जो है ना वो आपके ईयरफोन में ही ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि फ़ोन तो आपका बेस मतलब इतनी देता नहीं है, वही अगर आप ईयरफोन यूज़ करोगे तो वही बढ़िया अच्छा खासा आपको बेस मिल जाएगा देखने के लिए क्या भाई, सुनने के लिए आपको अच्छा खासा बेस मिल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं, मैं इसमें चला देता हूँ ये गाना, आवाज पूरी कर देता हूँ। हाँ यहाँ से कम है गाड़ी में से, 1 मिनट। ये भाई अभी देखो आवाज इसकी 16 पर है, मतलब जैसे मैं गेट वेट बंद करूँ ना, जैसे आप अकेले हो तो मतलब 16 पे मुझे इसकी, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे 16-17 पे काफी इसकी जो साउंड है वो लाउड लगी। बाकी भाई आप बने रहना वीडियो में, देखते रहना वीडियो, मैं इसकी आगे आवाज बढ़ाता हूँ, कैसा रिस्पॉन्स है वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो भाई जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाए जा रहा हूँ इसका बेस भी बढ़ता जा रहा है, ये देखो भाई। मतलब बेस भी यार अच्छा खासा बेस है इसमें, एक तो यहाँ से आवाज आ रही है, मतलब वही चारों डोरों में इसके स्पीकर हैं तो यहाँ से आवाज आ रही है, बाकी एक स्पीकर वहां प्लेस्ड है। अगर मैं दिखाऊं आपको मतलब चारों डोर खोल के तो क्या रिस्पॉन्स है वो आप देखना, मैं इसके चारों डोर्स खोल देता हूँ। और अभी तो भाई वॉल्यूम भी कम कर रखी है मैंने, मतलब पूरी वॉल्यूम नहीं कर रखी, एक बार पूरी वॉल्यूम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये भाई चारों डोर खोल रखे हैं मैंने अब इसमें,
बाकी भाई आफ्टर मार्केट जो JBL सोनी वगैरह आते हैं उनका तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि स्टॉक के जो आते हैं वो तो लोकल ही आते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी अब आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी 29 है ना, तो जब ये मैक्सिमम 40 तक जाती है, 40 से ऊपर नहीं जाती है, मतलब मैक्सिमम ही कर देता हूँ, 40 ही कर दी भाई। अब देखो भाई, मतलब चारों डोर वगैरह खोलने के बाद तो डीजे सा बन जाता है गाड़ी में, मतलब ऐसे जैसे इमरजेंसी में कहीं आपको डीजे वगैरह चलाना हो ना, तो आप अपनी ऐसे गाड़ी ले जाके और ये ऐसे चारों डोर वगैरह खोल के ना आप ऐसे स्पीकर बजा सकते हैं। ऐसे आप मतलब वही जो चारों डोरों का रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे कोई आपको बूट वगैरह में जैसे ट्रे पे लग जाता है ना स्पीकर, वो बूट वगैरह में नहीं है इसमें, यहाँ कोई स्पीकर नहीं है भाई। आउटपुट इसमें काफी बढ़िया है, स्पीकर वगैरह तो भाई इसके काफी अच्छे हैं। देखो मैंने अभी दो ही डोर खोल रखे हैं और मुझे मतलब बाहर जो मैं साउंड सुन रहा हूँ ना अच्छा खासा आउटपुट दे रहे हैं ये। टूट इनका इसमें इंफोटेनमेंट आता है, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी भाई ऐसा सा है इसका रिस्पॉन्स, यहाँ इसके दो मतलब स्पीकरों के साथ में यहाँ इसके ट्विटर्स की प्लेसमेंट है। आप देखना अगर मैं इसको कैमरे को पास में लाता हूँ, इसके ट्विटर्स की आवाज़ सुनना, हाँ तो भाई ट्विटर की भी मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स है ट्विटर का, ये इसके स्पीकरों का रिस्पॉन्स है। मैंने अभी म्यूट कर दिया है भाई, अभी मैं जैसे अंदर बैठा था ना तो ये वाला जो शीशा है IRVM ये ऐसे हिल सा रहा था, मतलब जैसे धमक सी होती है ना, इसका बेस भी अच्छा खासा है तो ऐसे वाइब्रेट सा हो रहा था ये शीशा जो है। एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, एक बार फिर से आप रिस्पॉन्स देख लेना, जैसे आप गाड़ी बंद है पूरी तो अंदर से कैसा इसका रिस्पॉन्स है ये आप देख लेना। और भाई ईयरफोन लगाना मत भूलना, ईयरफोन जरूरी है। ये भाई पीछे वाले डोर से इसके, हाँ भाई मतलब पीछे वाले डोर्स में कोई वो ट्विटर वगैरह नहीं है, एक ट्विटर भाई यहाँ देखने के लिए मिल जाता है आपको और एक ट्विटर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भाई आप वीडियो को एंड तक देखना, बढ़िया रिस्पॉन्स है स्पीकरों का। और मैं बता दूं जैसे वॉल्यूम कम करते हैं और यहाँ जैसे भाई इसकी सेटिंग में जाके आप जो बेस वगैरह है ना, बेस मिड ट्रेबल वगैरह इन सब चीज़ों को ना आप अपनी अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं जैसे इसकी सेटिंग में गया, इसकी साउंड का आ रहा है ऑप्शन, ये आ रहा है ना जैसे बेस मिड ट्रेबल, मैंने तो बेस पूरी कर रखी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मिड मैंने कम रख रखा है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ये ट्रेबल मैंने इतनी कर रखी है। बाकी भाई यही है, मतलब बैलेंस फेडर वगैरह ये सब चीज़ें हैं इसमें। या अब आप जैसे मैं इसे पीछे कर देता हूँ ना, तो देखो भाई आगे वाले स्पीकर्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, अब सिर्फ पीछे वाले स्पीकर्स में से आवाज़ आ रही है। जैसे आपका बंदा जैसे ये बैठा है ना, मैं आपको दिखाऊँ, ये हो गया ये वाला जो है, ये मैं मतलब ड्राइवर साइड है और ये साइड वाली साइड है पीछे वाली साइड, तो भाई इसमें आप जैसे ये वाले बीच में जो डॉट्स ही है ना, ये आप जहाँ भी सेट कर लोगे वहां पे आवाज बढ़िया आती है। जैसे मैंने आप कोने में सेट कर लिया ना, तो यहाँ आवाज बढ़िया आ रही है। आप जैसे उस साइड में सेट कर लेते हो, उस साइड में मतलब बिल्कुल ही उस तरफ कर लेते हो, सिर्फ उसी साइड आवाज आएगी आपको, ऐसा नहीं पूरी गाड़ी में आवाज आएगी। जैसे भाई मैंने अभी यहाँ देखो ये स्टार यहाँ सेट कर रखा है, तो भाई आवाज जो आएगी ना सिर्फ यहाँ आएगी। अरे ये जो आपको स्टार सा दिख रहा है ना, इस स्टार को आप जहां ले जाओगे इसकी जो साउंड है ना वो उसी कोने में ही आएगी। मैं जैसे आपको दिखा दूं, जैसे मैंने अभी ये जो मतलब ये जो स्टार है ना, ये अभी मैंने उस साइड सेट कर दिया है, तो आवाज जो आ रही है ना सिर्फ उस हिस्से में आ रही है आवाज। जैसे अब मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, तो आवाज जो आएगी वो सिर्फ इस हिस्से में आएगी।
पर अब जैसे मैं इधर सेट कर देता हूँ तो सिर्फ मुझे आवाज यहाँ सुनाई देगी। जिसको भी मतलब ज्यादा आवाज चाहिए और आपकी गाड़ी में जैसे बैठे हैं ना भाई कि किसी को कम आवाज चाहिए किसी को ज्यादा आवाज चाहिए, तो आप ऐसे इसमें सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। और सबको नॉर्मल चाहिए तो भाई वही भाई रीसेट कर दो, ये बीच में आ जाएगा अपना। अगर रियर चाहिए तो रियर पीछे चली जाएगी आवाज, ड्राइवर को चाहिए ड्राइवर में, ड्राइवर मतलब आगे वाले इससे आने लगेगी आवाज। रीसेट कर देते हैं भाई, बीच में ही कर देते हैं, हमें तो बीच में ही ठीक लगती है। बैक करते हैं, बाकी भाई वो ये इक्वलाइजर प्रीसेट्स, क्लासिक आपको फ्लैट साउंड चाहिए, रॉक साउंड चाहिए, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप, कस्टम, मतलब कस्टम का मतलब वो है आप अपने हिसाब से बेसमेंट ट्रैवल वगैरह ये सब चीजें सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बैक करते हैं भाई, ये वॉल्यूम वही है, मतलब आपको फोन कॉल में कितनी वॉल्यूम चाहिए, फोन की रिंगटोन जब फोन आएगा ना जो फोन की रिंगटोन बजेगी उसमें कितनी साउंड चाहिए और सिस्टम की कितनी साउंड चाहिए, तो इस हिसाब से आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा साउंड आएगी। बीच में रहने देते हैं भाई, ज्यादा तो चाहिए नहीं। वही स्पीड डिपेंडेंट, मतलब स्पीड के हिसाब से ये वॉल्यूम कंट्रोल हो जाती है, जैसे आपकी स्पीड ज्यादा हो तो ऐसा होता है ना कई बार हॉर्न वगैरह की साउंड मतलब आवाज जो होती है ना हॉर्न वगैरह की वो कई बार सुनाई नहीं देती, तो इस वजह से ये स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल है। इसे आप ऑन कर लेते हो मतलब लो मीडियम हाई कर लेते हो ना तो स्पीड के ऊपर डिपेंड रहती है, जैसे स्पीड आप ज्यादा कर रहे हो तो लो हो जाएगी अपने आप ही, ये मैंने ऑफ कर रखा है ये फीचर भाई। सिस्टम बीप, वही टू टू की जो आवाज आ रही है ये सब आप सुन जो रहे हो ये सिस्टम बीप है, ये कुछ ऐसा सा इसका रिस्पॉन्स है इन्फोटेनमेंट का। ये इसकी कनेक्टिविटी है इस वाले, मतलब ये जो 7 इंच का इसमें ब्रेजा वाले दे रहे हैं ना ये एक सही में इसका मतलब इसकी कनेक्टिविटी जो है वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों से है। अभी मैंने ये इसमें एप्पल कारप्ले ही चला रखा है, मैं आपको पर्सनली बताऊं भाई ये ब्लूटूथ वगैरह इन सब चीज़ों से तो ठीक ही है, मतलब ये आप सिर्फ यहाँ से वायर से जोड़ो और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दो अपना मस्त बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे चलाने में। वही ब्लूटूथ का यार ये झंझट होता है, एक बार डिसकनेक्ट हो जाता है तो वही आप इसमें सरदर्दी से मारते रहो, अपने फ़ोन में सरदर्दी से मारते रहो तब जाके वो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, है ना। तो भाई मैंने आपको इसका आउटपुट दे दिया है, बाकी भाई आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।